आपका क्या प्रॉब्लम है? आप आपका क्या चाहते हैं? आप कितना काउंसलिंग में बुलाया जाए कैंडिडेट को? हम चाह रहे हैं कि जैसे कि जो फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया है तो सेकेंड लिस्ट भी जारी किया जाए, ताकि जिस बच्चे को नहीं हुआ है तो उसका हो सके। जैसे कि मेरा हमने 90 से 95 नंबर भी बनाया है और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है। और इसमें मेरा हॉल में टोटल में प्रॉब्लम हुआ था टाइपिंग में ये प्रॉब्लम हुआ था कि मेटर जो कंप्यूटर स्क्रीन पर चल रहा था वो जो है 5 मिनट तक चला, उसके बाद है मेटर ख़त्म हो गया। हमने 5 मिनट में कंप्लीट कर लिया और उसके बाद है कि हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में यही रहा और समय जो 10 मिनट तक चलते रहा और टाइपिंग पूरा अच्छा से दे नहीं पाया, क्योंकि 5 मिनट तक मेटर ही चला, तो इसमें हमारा क्या गलती है? और आयोग से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो है कट ऑफ लिस्ट जारी करते तो हम संतुष्ट हो जाते, चलिए मेरा नंबर जो है कि कम है तो हमने अति कर लिया, लेकिन यहाँ पर तो जो है कि टाइपिंग भी दिए हैं तो वहाँ पर भी मेरा अति संतुष्ट नहीं हुआ, जबकि टाइपिंग दिए थे कम से कम हमें 8 घंटा 12 घंटा मारते थे टाइपिंग सर्विस के लिए। हम सोचे थे मेन सर्विस भी हो गया, पीटी भी हो गया दोनों, तो लास्ट चांस है, तो इसमें हम बहुत मेहनत किए थे, समझे कि ना। और अगर ऐसा किया तो माननीय मुख्यमंत्री से भी मैं आग्रह करता हूँ कम से कम दूसरा लिस्ट जारी किया जाए और जितने भी छात्र है उसको अपना मार्क्स दे के, और ताकि लड़का संतुष्ट हो। बार बार आंदोलन करना अच्छा बात नहीं है, स्टूडेंट और भी दूसरा काम कर सकता है, अगर नहीं होगा तो कम से कम उम्र जिसका खत्म हो रहा दूसरा को काम करता। इसीलिए आपसे हम मुख्यमंत्री माननीय बिहार सरकार से भी मांग करते हैं कि आप जो है कि रैंक लिस्ट जारी करिए, कट ऑफ जारी करिए, ताकि बच्चा संतुष्ट हो जाए। हम एक विकलांग हैं, आप देख रहे हैं हमको, अच्छा से देखिए। और जो है कि बहुत दिनों से तैयारी करे थे हमको, हमारा भी जो यहाँ पर असल आशा लगा हुआ था कि कम से कम 7-7.5 साल के बाद कम से कम रिजल्ट दे रहा था, हो सकता हो जाए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ तो मैं बहुत दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ, अगर कट ऑफ आ जाता तो हमको एक तो पता हो जाता कि चलिए भाई मेरा नहीं हुआ है, मतलब करना जारी है। क्या लगता है आपको कि कैसा एग्जाम हो रहा है जिसमें ना कट ऑफ बताया जाता है, ना क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना ओएमआर सीट दिया जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है, स्वतंत्र है आयोग, जितना मन किया उतने लोगों को बुलाया गया। इसमें देखिए यही बात है कि सरकार खुल के धांधली करना चाहती है, अगर वो खुल के धांधली नहीं करना चाहती है तो कट ऑफ लिस्ट जारी करने में क्या दिक्कत है? ना लड़कों का मार्क्स बताया जा रहा है, ना कार्बन कॉपी दिया जा रहा है, ना रैंक लिस्ट जारी किया जा रहा है, ऐसे किसी को पता ही नहीं चल पा रहा कि हम कितने से फेल हुए कितने से पास हुए हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे आयोग से कि कम से कम रैंक लिस्ट जारी किया जाए और जो एग्ज़ाम हो रहा है आगे भी जो होने वाला है एग्ज़ाम उसमें कार्बन कॉपी दिया जाए। आप का सिलेक्शन जो है कितना आपका अंक आपने एज्यूम किया था, कितना मेरा अंक होगा? 105 नंबर और टाइपिंग में हम क्वालिफाई है, एक भी एरर नहीं था। अच्छा, क्या लगता है कि 13,120 सीट जो है जो बुलाया गया है उससे भर जाएगा? जी नहीं, उसमें सर नहीं भरेगा। तो क्या कहना चाहते हैं आप आयोग से? फिर से काउंसलिंग लिस्ट जारी किया जाए, सेकेंड थर्ड और 2016 वाला को बाहर किया जाए। ये फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट किस बेसिस पर जारी किया है वो बताया जाए, किस बेसिस पर जारी हुआ है, टाइपिंग वाला का क्या है, टाइपिंग कौन लड़का क्वालिफाई किया नहीं किया, ये सब जारी किया जाए। जी अच्छा, ये आप भी दिए हुए हैं BSSC, क्या आपका क्या कहना है? सर मेरा 117 नंबर था, MPSC में थे सर, 2014 वाले में नहीं थे। अच्छा, फिर भी नहीं हुआ। टाइपिंग में आपका क्या था? टाइपिंग अच्छा नहीं गया था सर। टाइपिंग अच्छा नहीं गया था। अच्छा, तो क्या आप कहना क्या चाहते हैं? सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए सर। सेकंड लिस्ट जारी किया जाए। आपका नाम क्या हुआ? चंदन कुमार। क्या आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि पारदर्शिता लाई जाए, क्योंकि हम लोगों को कुछ पता ही नहीं कितना मार्क्स आया है, क्या आया, कुछ नहीं आया है। फर्स्ट लिस्ट पर एग्जाम हो उसमें भी नहीं आया, पीटी मेंस में कुछ भी नहीं आया, तो उसमें पारदर्शिता लाई जाए और इस काउंसलिंग जो लिस्ट जारी किया उसको फिर से संशोधित करके जारी किया जाए, कट ऑफ नंबर जारी किया जाए उसको। क्या लगता है कि पूरा सीट भरेगा कि नहीं? पहले पूरा भर पाएगा सर, इसके लिए काउंसलिंग में 2 गुना क्वेश्चन बुलाना चाहिए था जो कि हुआ नहीं। हर बार हम लोग इसी के मुद्दे पे आंदोलन भी किए हैं, हर बार कि 2.5 गुना या 2 गुना कम से कम दिया जाए, मगर आयोग अपना मनमाना रवैया 1.1 रटते रहा, वही दिया। इसमें भी अगर देता निष्पक्ष होकर नंबर बता दिया तो कोई दुख हमें नहीं था। हमको पारदर्शिता चाहिए, अगर कोई छट रहा तो कितना नंबर से छट रहा है, हुआ है तो सबका कितना नंबर पर रहा है कुछ भी पता नहीं सर। ना तो आप ओएमआर सीट दिए हैं, ना क्वेश्चन बुक लेट दिया, हमें क्या पता आप क्या कर रहे हैं नहीं रहे, ये तो सीधे धांधली है, तानाशाह रवैया हो रहा है। आपका क्या प्रॉब्लम है सर? हम हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग कर दिए हैं और मार्क्स में मेरा 100+ था, तो मेरा भी रिजल्ट नहीं दिया। ठीक है सर, हम लोग मेरा मांग यही है कि कट ऑफ और मार्क्स और टाइपिंग का रिजल्ट ये आयोग दे,
तो हम इससे हमें पता चलेगा ना कि हम किस आधार पर हम छटे हैं। बस आपका क्या प्रॉब्लम? यही है सर, मेरा आ रहा है 110 नंबर और टाइपिंग दोनों में पेज पार कर लिए थे, लेकिन फिर भी जो है नंबर में जो है काउंसलिंग में मेरा नाम नहीं है, नंबर नहीं है। तो यही कहना है कि कौन आधार पर कैसे रिजल्ट दिया गया है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। एक आधार बनाया जाए कि किस नंबर किस आधार पर दिया गया है।